लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में मैंने सवाल इसलिए पूछा कि बड़ी चर्चा है कि राहुल जी 10-15 साल अमेठी से सांसद थे, एक बार चुनाव हारे तो वायनाड भाग गए और इस बार के चुनाव में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्या डर गए राहुल गांधी? आपके टीवी पे ही दिखाया जा रहा होगा, आज राहुल गांधी से देश जुड़ चुका है। तो अमेठी छोड़कर क्यों भागे, रायबरेली क्यों चले गए? अब देखो अपने अमेठी से ही टिकट लेने, देखिए एक पहलवान जो कुश्ती लड़ता है ना मेरे भाई, वो देखता है कि भाई तेरी जीत होनी चाहिए, तू उससे हाथ मिला। ऐसा नहीं होता कि भैया अमेठी जरूरी है, लड़ना उसने जब उसको देख रहा है। स्मृति ईरानी कह रही है कि भाग गए और प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा राहुल गांधी कहते डरो मत, सामना करो, भागो मत, और खुद ही छोड़कर भाग गए। सर गलत है, अरविंद जी को जो अंदर किया, मोदी जी डरपोक है, उसको अंदर क्यों किया? आमने सामने की लड़ाई थी। बहुत महत्वपूर्ण कह रही है, अच्छा आ रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है, इनकी बात को सुनिएगा क्योंकि ये इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। क्या कह रही है? सामने की लड़ाई थी, आमने सामने लड़ो, अंदर क्यों किया उनको? आमने सामने की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई लड़ो। अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे हैं, बिजली के, पानी के, स्कूल के, क्या नहीं किया उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया? वो तो बस अपने एरोप्लेन में घूम रहे और बाकी नहीं कर रहे कुछ। अच्छा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना ठीक फैसला था या गलत? गलत है। केजरीवाल को जेल, लेकिन वो तो एजेंसी ने डाला ना, सरकार ने थोड़ी डाला। अरे भाई केजरीवाल से डरे हुए, केजरीवाल से सब डर, मोदी जी डरते हैं, कदम प्रचार कर लेना, कदम प्रचार। 4 महीने पहले जेल में जाना चाहिए था। ये कुछ अलग कह रहे, एक मिनट आप सुन लो, केजरीवाल 6 महीने पहले जेल में जाना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को, ये सुन लो, इलेक्शन के टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। अगर सरकार को इतना पता था केजरीवाल के बारे में तो इतना टाइम क्यों लिया? ये सब डरे हुए हैं और आने वाला इनकी है, हर चीज इनकी है, सब इनका है। ये बताओ, अच्छा थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे आ रहे इनके पास आ रहे, थोड़ा पीछे होइए, अम्मा थोड़ा पीछे होइए, मैम थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, कुतुबगढ़ का विकास, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुतुबगढ़ का 10 साल में विकास किसने किया? कुतुबगढ़ का विकास 10 साल में किस पार्टी ने किया? आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने, केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसी ने भी नहीं, बीजेपी ने, कांग्रेस ने किया भाई, कांग्रेस ने। एक लोग कह रहे, अच्छा सुनिए सवाल, एक बात सुनिए, देश का आप बोल चुके हैं, आप इनकी सुनिए। यहाँ सक्सेना एल जी 2 साल पहले ये कह गया था, मैं हॉस्पिटल में पहले दाखिल होगा 6 महीने बाद, आज तक हॉस्पिटल नहीं बना। और एक बार गोद ले रखा है, ये हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये वादा करके बार बार वादा करके गया, कोई वादा पूरा। अच्छा आप लोगों के लिए बिजली, सड़क, पानी मुद्दा है कि नहीं है? सारे काम हो चुके हैं, पानी की समस्या, पानी की समस्या बहुत बढ़िया है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो पार्टी 70 साल राज कर गई, आज उस पार्टी का मुखिया राहुल गांधी आज पे वोट नहीं देगा, वो झाड़ू पे देगा, क्योंकि उसकी वोट नहीं दिल्ली में है, और झाड़ू के लिए साल पर ठप्पा मारेगा। ये जो साल में काम किया है ना, उतना ये 100 साल में भी नहीं कर सकते, जो कांग्रेस ने 70 साल में काम किया है। ये क्या बात हुई भाई, वो झाड़ू पे देगा, उसका अलायंस है उस पार्टी से, वहाँ देगा, काम किया है ना तो कांग्रेस ने किया भाई आज से 15 साल पहले, उससे पहले यहाँ किसी आदमी ने एक रोड भी नहीं लगाया। शीला दीक्षित ने काम करा, ये लोग कुछ भी कहें। सबसे बड़ा हो रहा है मुद्दा ही क्षेत्र का हॉस्पिटल, वो यहाँ 10 साल में केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बना दिया? बेरोजगारी, बच्चे जो है, अब तो MCD भी केजरीवाल साहब के पास है, यहाँ का पार्षद बीजेपी का है, यहाँ का पार्षद बीजेपी का, जो एक बार भी शुद्ध बुद्ध नहीं लेता हॉस्पिटल के ऊपर हमारे लोग। अच्छा अब अंतिम सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूँ, देखो ये है मैं गांव। अरे हो चुका, बोल तो दिया आपने गांव का, समस्या। अरे भाई साहब ये बताओ, कई समस्या है, बताओ। गांव कटेवड़ा में शमशान घाट का कोई वो मतलब मुद्दा, कोई विकास नहीं। दूसरा देख, चलिए ठीक है।